वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में बनने वाला है सूजी का हलवा। क्या हलवा बनाने का कोई ख़ास रीज़न है? हाँ बिल्कुल, कुछ ख़ास रीज़न है। तो पहले हलवा बना देते हैं, रीज़न बाद में बताएंगे। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी सूजी, और साथ में लिया है पानी 500 ml, मतलब 2 कटोरी पानी। तो कढ़ाई रख दी है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। सबसे पहले सूजी को भूनना है। हलवा बनाने का यही रहता है कि पहले ऑयल में सूजी को भूनो, और तब तक भूनो जब तक कि सूजी और ऑयल अलग अलग न हो जाएं। अब मैं बताती हूँ रेशो कि मैंने क्या क्या लिया है। मैंने बनाया है 1 कटोरी हलवा, अगर कहीं ग्राम के हिसाब से तो 250 ग्राम सूजी ली है। और रेशो यही रहता है सूजी के हलवे का कि जितनी सूजी है उससे डबल पानी डालते हैं। चीनी आप चाहें तो बराबर भी डाल सकते हैं सूजी के बराबर, अगर आप कम मीठा खाते हो तो कम भी डाल सकते हैं। मैंने 3/4 लिया है, और ऑयल भी 3/4 ही लिया है, क्योंकि सूजी के लिए थोड़ा, अगर जितनी सूजी है उससे कम ऑयल भी चल जाता है। और अब देखिए, आप सूजी भून चुकी है, क्योंकि जो मैंने पहले कहा था ना, सूजी से ऑयल अलग हो जाना चाहिए तब तक भूनना है, तो ऑयल बिल्कुल साइड से आ गया है। तो अब है वक्त इसमें पानी डालने का, और पानी कितना डालना है, जितनी सूजी ली है ना उससे डबल पानी डालना है। तो 1 कटोरी सूजी ली है, उसी कटोरी से नाप कर मैंने 2 कटोरी पानी पहले ही नाप कर रख दिया है, तो वो 2 कटोरी पानी हम अब डाल देंगे जब ऑयल इसका अलग हो जाए। तो अब मैं ऐड कर दूंगी पानी। तो लीजिए, 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी पानी मैंने डाल दिया है, और इस वक्त मैंने गैस की फ्लेम कर दी है स्लो, क्योंकि एकदम से छींटे उड़ते हैं ना। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। चीनी ली है मैंने 3/4, आप चाहें तो आधी कटोरी भी डाल सकते हो, आप चाहें तो 1 कटोरी भी डाल सकते हो चीनी। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, इसमें किशमिश नहीं ली है, और ली है इलायची पाउडर, वो भी डाल दिया है। तो अब हलवा पकाना है तब तक जब तक सारे के सारे पानी सूख ना जाए। और मैंने ये किशमिश क्यों नहीं डाली, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किशमिश। हाँ वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन जब वो पानी में फूल जाती है ना उसके बाद वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से मैंने नहीं डाली। तो ये बनना तैयार हो गया सूजी का हलवा। इससे पहले भी मैं हलवा बना चुकी हूँ, लेकिन वो था आटे का हलवा। ज़रा सा फ़र्क है सूजी के हलवे और आटे के हलवे में, कि सूजी का जब हलवा बनाते हैं तो जितनी सूजी है उससे कम ऑयल भी हम डाल सकते हैं, लेकिन आटे के हलवे के लिए हमें कम ऑयल कम घी नहीं डालना चाहिए, या तो बराबर हो या फिर थोड़ा ज़्यादा हो तभी बनता है। और फिर चीनी का तो आप जानते हो, जितनी मिठास आपको पसंद है उतनी ही चीनी डालिएगा। जितना सूजी या जितना आटा लिया आप उतनी चीनी भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो, लेकिन अगर आप कम खाते हो तो आप उससे आधा भी डाल सकते हो। मैंने आधी तो नहीं लिया, ज़रा सा ज़्यादा लिया है, इनके 3/4 चीनी ली है। और यहाँ तक तो ये रेशो सारा मम्मी से पूछ कर लिया है कि सूजी का हलवा बनाने का रेशो क्या है, लेकिन इसके बाद जो मैं ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ वो मेरी खुद की है, मतलब मेरा खुद का आइडिया है उसमें। तो वो ट्रिक क्या है, ज़रा सी सिंपल सी ट्रिक है, वो है ये कि जब हलवा 95% कुक हो जाए, यानी कि 95% तक पक जाए और ज़रा सी देर रह जाए, उसी वक्त हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच देसी घी। पहले ऐड नहीं करना है जब सूजी को भून रहे थे, बीच में भी ऐड नहीं करना है, लेकिन जब हलवा पकने में ज़रा सी देर रह जाए, यूँ कह लें कि हलवा पक ही चुका है, बस 95% पका है और ज़रा सी देर है, उसी ज़रा सी देर में हमें डालना है देसी घी, और गैस की फ्लेम कर देनी है स्लो, क्योंकि हमने पहले गैस की फ्लेम, जब पानी डाला था ना सूजी को भुनने के बाद, उस वक्त गैस की फ्लेम थी मीडियम टू हाई, लेकिन जब अभी जब देसी घी डाला है तो गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। और इसी स्लो गैस की फ्लेम में हम इस ज़रा से घी में सूजी को भुनेंगे, और उसके बाद जो हलवा बनता है ना उसके तो कहने ही क्या। और अभी से ही जो इलायची की खुशबू है ना इतनी अच्छी आ रही है, और आप देखिए हलवा तैयार है, पूरे तरीके से तैयार है। अब इसमें कोई कसर बाकी नहीं है, बस एक ही कसर है कि खाने की कसर बाकी है। तो हलवा वैसे भी गर्म गर्म ही हलवा खाना चाहिए, क्योंकि ठंडे हलवे का वो टेस्ट नहीं आता। और जो मुझे पहले आटे का हलवा पसंद था, लगता है अब सूजी का भी मेरा फेवरेट होने वाला है। तो लीजिए, तैयार है सूजी का हलवा। और ये ख़ास वजह क्या थी आज हलवा बनाने की, तो वो है जो नवरात्रि चल रहे हैं ना आजकल, तो स्पेशल वही वजह थी कि नवरात्रि के लिए हलवा बनाना तो बनता था। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से रहें, व्रत वाला खाना खाएं, व्रत करती हूँ तो करें, मैं तो नहीं करती हूँ। तो लीजिए, ये है आज का प्रसाद का हलवा, आप भी खाइए, ख्याल रखिए अपना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।